दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ 118 सुंदरियों को पीछे छोड़कर मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब जीतने वाली मानुषी छिल्लर की, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपने देश का नाम रोशन किया। दोस्तों बता दो कि इससे पहले साल 2000 में प्रियंका चोपड़ा ने इस खिताब को जीता था और किसी भारतीय लड़की ने 17 साल बाद फिर से यह कारनामा कर दिखाया है। मानुषी को 18 नवंबर 2017 को चीन के सानी शहर में इस खिताब से नवाजा गया और इसी साल 25 जून 2017 को उन्हें फेमिना मिस इंडिया का भी अवार्ड दिया जा चुका है। तो चलिए दोस्तों मानुषी छिल्लर की लाइफ स्टोरी को हम थोड़ा करीब से जानते हैं। तो दोस्तों इस सफर की शुरुआत होती है 14 मई 1997 से, जब हरियाणा की एक जाट फैमिली में मानुषी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम मित्र बसु छिल्लर है, जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिस्ट हैं, और उनकी माँ का नाम नीलम है, जो कि एक प्रोफेसर है, और उनकी पूरी फैमिली दिल्ली में रहती है। मानुषी की शुरुआती पढ़ाई सेंट थॉमस स्कूल दिल्ली से हुई और वह फिलहाल हरियाणा के भगत फूल सिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ वुमन में MBBS सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और वे आगे चलकर हार्ट स्पेशलिस्ट बनना चाहती हैं। इसके अलावा 12वीं क्लास में इंग्लिश में 96% के साथ CBSE की वे टॉपर भी रह चुकी हैं और वे साथ ही नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के भी हिस्सा हैं। 25 जून 2017 को मानुषी ने हरियाणा को रिप्रेजेंट करते हुए फेमिना मिस इंडिया का खिताब अपने नाम कर लिया और फिर उन्हें 2017 मिस वर्ल्ड कंपटीशन में भारत की तरफ से पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। मिस वर्ल्ड के फाइनल मुकाबले तक पहुंची मानुषी को दूसरे स्थान पर रही मिस मैक्सिको एंड्रिया मेजा से कड़ी टक्कर मिली, लेकिन आखिरकार मानुषी की ही जीत हुई। और इसी के साथ पिछले साल की मिस वर्ल्ड रह चुकी स्टेफनी डेल ने उन्हें मिस वर्ल्ड 2017 का ताज पहनाया। लेकिन इन सभी बातों में सबसे अच्छी बात यह रही कि जब टॉप 5 कंटेस्टेंट में जगह बनाने के बाद मानुषी से यह सवाल किया गया कि आपको कौन सा प्रोफेशन ऐसा लगता है जिसके लिए सबसे ज़्यादा सैलरी दी जानी चाहिए और क्यों, तब उन्होंने बहुत ही प्यारा सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरी माँ मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है, इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि माँ होने की जिम्मेदारी सबसे कठिन है, और बात केवल पैसे की नहीं है बल्कि प्यार और सम्मान के लिहाज से कोई भी माँ सबसे ज़्यादा सैलरी की हकदार है। तो दोस्तों अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मानुषी ने अपने मेहनत और जज्बे के दम पर यह खिताब अपने नाम किया और उन माता पिता को भी सत सत नमन है जिन्होंने मानुषी के हर कदम पर उनका साथ दिया। उम्मीद करते हैं कि मानुषी अपने फ्यूचर में भी भारत का नाम रोशन करेंगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।